नमस्कार दोस्तों, मैं आरएस गुजर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस जीके ट्रिक्स में। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आ चुका हूं फिर भारत की ज्योग्राफी को लेकर के आपके समक्ष। तो एक बार सारे के सारे विद्यार्थी जुड़ जाइए फटाफट से, और जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं एक बार क्लास को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिए फटाफट से। फिर बात करने वाले हैं आज के अपने टॉपिक की। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम भारत बात कर रहे थे भारत के उन राज्यों की जो भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा लगाते हैं। कौन कौन से राज्य जो है भारत के पड़ोसी देशों के साथ लगते हैं, जैसे कि पाकिस्तान के कितने साथ कितने लगते हैं, और कौन सी सीमा रेखा है जिसका निर्धारण कब हुआ, उनको जो है हम जान रहे थे। और कौन कौन सा इनके बीच विवाद है किसी भी देश को लेकर के, भारत के पड़ोसी देश को लेकर के, और भारत के बीच में कौन कौन से विवाद चल रहे हैं उनको लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। ट्रिक के माध्यम से हम जान रहे थे, और हर एक उसको जो है सारा का सारा कन्फ्यूजन आपका यहीं पर दूर होने वाला। चाहे विवाद की बात कर ले, चाहे राज्य की बात कर ले, चाहे सीमा की लंबाई की बात कर ले, सारी की सारी बातें जो है हम यहीं पर करने वाले हैं, इसी क्लास में करने वाले हैं। तो एक बार फटाफट से सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए, चलिएगा शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे, और पिछली क्लास में हम कहाँ तक बात कर चुके थे दोस्तों, थोड़ा सा मैं भारत का मैप बना लेता हूँ छोटा सा, जिससे कि अपन आसानी समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, और फिर उसके बाद चर्चा करेंगे आगे के बारे में। आगे के बारे में अगर हम चर्चा करें, देखिए ये हमारा भारत बन चुका है ना, और हमने यहाँ से बात की थी कि यहाँ पर एक देश सीमा लगाता है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर के प्लेलिस्ट में पिछली क्लास में देख सकता है। अपन पाकिस्तान के बारे में बात कर चुके हैं, पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं, और कितनी सीमा लगाते हैं, कौन कौन से विवाद है, ये सारी बातें हो गई। उसके बाद यहाँ पर लगता है अफगानिस्तान, जिसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। उसके बाद इधर लगता है आपका चीन, जिसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि चीन और भारत के बीच कौन सा विवाद चल रहा है। ये पीओके पाकिस्तान और भारत वाला भी पढ़ लिया है हमने, ये अच्छा ही चीन वाला भी हमने जो है पिछली क्लास में देख लिया है। अब हम यहाँ पर पहुँच चुके थे नेपाल के पास। कहाँ तक आ गए थे? नेपाल तक आ गए थे। नेपाल के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं, तो आइए फटाफट से बात करते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल, नेपाल को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ध्यान में रखना है, जो नेपाल है, नेपाल भारत से 1751 किलोमीटर की 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और सीमा जो बनाता है वो कैसी सीमा बनाता है, या फिर इस सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इस सीमा रेखा को, यानी कि यह प्राकृतिक सीमा है। नेपाल व भारत के मध्य प्राकृतिक सीमा बनती है। और बनाता कौन है, तो हिमालय बनाता है, ध्यान रखना है। तो प्राकृतिक सीमा बनती है, और कितने किलोमीटर लंबी बनती है, 1751 किलोमीटर। तो ध्यान रखना है नेपाल के साथ भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं उनकी थोड़ी सी अपन देख लेते हैं। नेपाल के साथ सीमा लगाने वाले भारतीय राज्य, भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा लगाते हैं, तो उनकी एक छोटी सी ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है। बीसी उत्तरा उत्तर में मिला बंगाल। देखो, हम उन राज्यों की बात कर रहे हैं जो नेपाल के साथ लगते हैं, ऐसे भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा लगाते हैं।
तो उनकी एक छोटी सी ट्रिक्स आपके लिए मैंने बनाई है, बीसी उत्तरा, उत्तर में मिला बंगाल। देखो हर एक देश के साथ में लगने वाले राज्यों की सभी की ट्रिक मैंने बताई है, पिछली क्लास में भी हमने एक हर एक को जो है ट्रिक के माध्यम से देखा है। अब यहाँ पर बी से अगर हम बात करते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे, बी से बन जाएगा बिहार, सी से बन जाएगा सिक्किम, उत्तरा से बन जाएगा उत्तराखंड, उत्तर से बन जाएगा उत्तर प्रदेश, में मिला साइलेंट रहेगा, और बंगाल से बन जाएगा दोस्तों पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल चलेगा। अब यहां पर हम बात करें तो जो उत्तर प्रदेश है यह सर्वाधिक सीमा लगाने वाला राज्य है, सर्वाधिक सीमा लगाने वाला राज्य, और जो पश्चिमी बंगाल है ये न्यूनतम सीमा लगाने वाला राज्य। देखिए हमारे बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ऐसे स्टेट हैं जो नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं या नेपाल के साथ सीमा लगाते हैं। अब इनमें से पूछ ले कि कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश, और नेपाल के साथ न्यूनतम सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है आपका पश्चिम बंगाल। अब यहाँ पर नेपाल और भारत के बीच में यहाँ पर एक दर्रा है, और इस दर्रे का नाम है दोस्तों लिपू लेक। क्या नाम है? लिपू लेक, लिपू लेक दर्रा। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, वैसे नेपाल और भारत के बीच हमेशा से अच्छे संबंध थे, लेकिन हाल ही में थोड़े मतलब ऐसा ये हुआ कि नेपाल ने एक अपना नया मैप जारी किया, जिस मैप में इस दर्रे को उन्होंने अपने देश में दर्शाया, जिससे लेकर के जो है भारत और नेपाल के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई, और या फिर यूँ कह सकते हैं कि भारत ने उसका विरोध किया। तो ये एक प्रकार से विवाद है जिसको कहते हैं लिपू लेक विवाद या काला पानी विवाद। अब काला पानी विवाद या काला पानी क्षेत्र विवाद क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से एक नदी आती है, नेपाल से होकर के आती है, भारत की ओर आती है, और उस नदी का नाम है काली नदी। जिस क्षेत्र से काली नदी आती है उस क्षेत्र को, या फिर जिस क्षेत्र से काली नदी का पानी प्रवाहित होता है उस क्षेत्र को हम काला पानी क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों उस काला पानी क्षेत्र मतलब इस कारण से उसको जो है काला पानी विवाद या फिर लिपू लेक दर्रा विवाद के नाम से जानते हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए काला पानी दर्रा विवाद, काला पानी दर्रा विवाद या लिपू लेक, या कौन सा लिपू लेक दर्रा विवाद, लिपू लेक दर्रा विवाद, काला पानी विवाद या लिपू लेक दर्रा विवाद, दोनों बात एक ही है। किस किस के बीच में है, तो आप सभी को पता है भारत के और नेपाल के बीच में, भारत व नेपाल के बीच में है, भारत और नेपाल के मध्य ये दोनों विवाद ये विवाद प्रचलित है। तो इसके बारे में अच्छे से ध्यान रखना है, फिर से समझना है। नेपाल भारत से 1751 किलोमीटर की सीमा लगाता है, और नेपाल और भारत के बीच की जो सीमा रेखा है वो कैसी है, प्राकृतिक है, प्रकृति से प्राप्त प्राकृतिक सीमा बनती है। अब आप कहेंगे सर क्या कहते हैं, तो उसको कुछ नहीं कहते हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। नेपाल के साथ सीमा लगाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो एक छोटी सी ट्रिक्स हमने बनाई है, बी सी उत्तरा, उत्तर में मिला बंगाल, बी से बिहार, सी से सिक्किम, उत्तरा से उत्तराखंड, उत्तर से उत्तर प्रदेश, में मिला रहेगा साइलैंड, और बंगाल से पश्चिम बंगाल। इनमें इन राज्यों में सबसे ज़्यादा सीमा लगाने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, और सबसे कम सीमा लगाने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल।
दोस्तों भारत और नेपाल के बीच में एक विवाद है, और वो विवाद कौन सा है? तो वो है काला पानी विवाद या फिर लिपु लेक दर्रा विवाद, जो भारत और नेपाल के बीच में चल रहा है। तो इसको लेकर के भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो विवाद मैंने पहले भी बताया है आपको, एक तो एट फिंगर विवाद जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, चीन और भारत के बीच में एट फिंगर विवाद है ना, एट फिंगर विवाद या गलवान घाटी विवाद, या उसी को आप कह सकते हैं पैंगोंग झील विवाद है ना, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। वो और एक ही है, ये दोनों अभी चर्चा में है, तो यहाँ से 110% जो है एक क्वेश्चन जरूर बनने वाला है आपका। तो बिल्कुल जो है इसके बारे में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं, और बाकी के जो देश हैं, कौन कौन से देश जो सॉरी अगले जो देश हैं वो कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं, उनको लेकर के हम एक बार चर्चा करते हैं। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट खींचिएगा, फिर चलते हैं आगे की ओर। चलिए फटाफट से ले लीजिएगा। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। चलते हैं आगे और बात करते हैं आगे कौन कौन से स्टेट हैं जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ, या जैसे कि हम बात करेंगे भूटान के बारे में, तो सारी की सारी ट्रिक के साथ बताऊंगा है ना, लेकिन आप शेयर जरूर करते जाओ भाई, क्लास को शेयर करो, लाइक करो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लो। चलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब रुकनी नहीं चाहिए, तभी मजा आएगा पढ़ने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आग लगा लो फटाफट से, आ जाओ भाई आ जाओ। अब उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे, और यहाँ कौन सा देश है? यहाँ पर है भूटान। तो भूटान के बारे में हम बात करेंगे, और देखिए भूटान, भूटान और भारत के मध्य भी एक सीमा रेखा है जो प्राकृतिक सीमा रेखा है। तो ध्यान रखना है, भूटान व भारत के मध्य 699 किलोमीटर की सीमा, या यूं कह सकता हूं मध्य प्राकृतिक सीमा बनती है, प्राकृतिक सीमा बनती है। चलिए नंबर दो, कितनी बनती है? तो भूटान भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है, सीमा बनाता है। कितनी बनाता है? 699 किलोमीटर की बनाता है। चलिए आगे बात करें हम दोस्तों, तो इस भूटान के साथ सीमा लगाने वाले भारतीय राज्य हमारे कौन कौन से राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा लगाते हैं, उनको भी थोड़ा सा जो है हमें ध्यान में रखना है। चलिए तो उनकी हमें ट्रिक ध्यान रखनी है। 80 अरुणा बंगाल में, 80 अरुणा बंगाल में, 80 की 80 है ना, ध्यान रख रहे हैं, 80 यानी कि सेम टू सेम, 80 अरुणा बंगाल में, अपनी ट्रिक बनती है 80 अरुणा बंगाल में। ऐसे होगा दोस्तों, असम सी से हो जाएगा सिक्किम, अरुणा से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, बंगाल से हो जाएगा पश्चिमी बंगाल, और मैं रहेगा साइलेंट। टोटल चार राज्य लगते हैं, इनमें सबसे ज्यादा कौन सीमा बनाता है? तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य, बनाने वाला राज्य तो वो है आपका असम, और न्यूनतम सीमा बनाने वाला कौन सा है? सिक्किम। न्यूनतम
सीमा बनाने वाला राज्य वो है आपका सिक्किम। यहाँ पर कोई विवाद नहीं है, भारत के और भूटान के बीच कोई विवाद नहीं है, तो उसको लेकर के आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। भूटान व भारत के मध्य भी प्राकृतिक सीमा बनती है जो हिमालय बनाता है, और ये कितनी बनती है, 699 किलोमीटर की बनती है। भूटान के साथ सीमा लगाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो उनकी एक छोटी सी ट्रिक है, असी अरुणा बंगाल में, और असी अरुणा बंगाल में इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे असम, सी से सिक्किम, अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, और बंगाल से पश्चिमी बंगाल में रहेगा साइलेंट। उसके बाद सबसे ज़्यादा सीमा कौन लगाता है, असम लगाता है, और सबसे कम कौन लगाता है भूटान के साथ, तो वो लगाता है सिक्किम। भूटान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा कौन लगाता है, असम लगाता है, सबसे कम कौन लगाता है, सिक्किम लगाता है। चलिए अब बात करते हैं अगले देश की, अगला कौन सा देश है, म्यांमार। तो एक बार इसका भी आप फटाफट से स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, जल्दी से निकाल लीजिएगा, उसके बाद में आगे की चर्चा करते हैं। और अब आगे के बारे में हम बात करें, तो आगे हमारा जो देश है, कौन सा देश है जो इसके साथ सीमा लगाता है, तो दोस्तों वो है आपका म्यांमार। कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों, म्यांमार का है। तो म्यांमार के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर बात करेंगे कि म्यांमार जो है कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा को स्पर्श करता है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य जो है म्यांमार की सीमा को स्पर्श करते हैं, उसको लेकर के हम थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं। लाइक शेयर करते जाओ यार, लाइक और शेयर रुकने नहीं चाहिए, शेयर कर दो जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, है ना, अपने सभी साथियों को फेसबुक पर भी शेयर कर दो, व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर दो, टेलीग्राम पर भी शेयर कर दो, जितना कर सको कर दो ना, लाइक और कमेंट करके भी बताना है आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है ना, और कौन सा टॉपिक आपको चाहिए उसके बारे में भी आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैं राजस्थान की भी डाल रहा हूँ, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर भी आपके जो है वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, उसके भी लगातार मैं डाल रहा हूँ, राजस्थान की ज्योग्राफी के भी आपको मिलेंगे इसी चैनल पर, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब्सक्राइब कर लो चैनल, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। अब हम चर्चा कर रहे हैं म्यांमार के बारे में। म्यांमार दोस्तों, म्यांमार की हम बात करें तो म्यांमार व भारत के मध्य प्राकृतिक सीमा बनती है, इसके मध्य भी कैसी बनती है, प्राकृतिक सीमा बनती है, सीमा बनती है, मतलब नेपाल के मध्य और भूटान, नेपाल भूटान और भारत के मध्य भी प्राकृतिक बनती थी, और यहाँ पर जो आपका म्यांमार है इसके मध्य भी प्राकृतिक बनती है, फर्क इतना है, यहाँ इन दोनों के बीच और भारत के बीच जो है हिमालय बनाता था, और इन दोनों के बीच जो है अराकान योमा बनाती है, कौन बनाता है, यहाँ पर एक पर्वतमाला या एक पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है अराकान योमा, अराकान योमा, ऊपर लिख देता हूँ मैं इधर अराकान योमा ना, तो अराकान योमा जो है सबसे ज़्यादा, सॉरी माफी चाहूँगा, प्राकृतिक सीमा बनाती है, ध्यान रखना है, यहाँ हिमालय बनाता है, नेपाल और भूटान की बात करें तो इनके बीच भी प्राकृतिक बनती है भारत के साथ, लेकिन वो हिमालय बनाता है, म्यांमार और भारत के बीच भी प्राकृतिक बनती है, लेकिन यहाँ पर हिमालय न बनाकर के कौन बनाता है, अराकान योमा बनाता है, ध्यान रखना है। दूसरी चीज, म्यांमार जलीय सीमा भी लगाता है, तो जलीय सीमा को क्या कहते हैं वो बात अपन बाद में करेंगे, कोको चैनल के नाम से जानते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं कि म्यांमार कितनी सीमा लगाता है भारत के साथ, तो म्यांमार भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है, 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है, सीमा बनाता है, ये लीजिएगा 1643 किलोमीटर की बनाता है, और इसके साथ कौन से भारतीय राज्य लगते हैं, तो म्यांमार के साथ लगने वाले भारतीय राज्य म्यांमार के साथ लगने वाले भारतीय राज्य, उनकी ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है, मीना
मणि अरुणा लेगी, मणि कौन ले गई, अरुणा लेगी, मीना मणि अरुणा लेगी। ध्यान रखना मी से हो जाएगा मिजोरम, मिजोरम, ना से हो जाएगा नागालैंड, नागालैंड, मणि से हो जाएगा मणिपुर, अरुणा से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और लेगी रहेगा साइलेंट, लेगी क्या रहेगा साइलेंट। तो ध्यान रखना है म्यांमार और वह भारत के बीच भी प्राकृतिक सीमा बनती है, और ये प्राकृतिक सीमा बनाने का काम कौन करता है, अराकान योमा, ध्यान रखना है अराकान योमा बनाती है, अराकान योमा पर्वत श्रृंखला ये सीमा बनाती है इन दोनों के बीच में। और कितनी बनाती है, 1643 किलोमीटर की बनाती है। इसके साथ भारत के टोटल चार स्टेट लगते हैं, मीना मणि अरुणा लेगी, मी से मिजोरम, ना से नागालैंड, मणि से मणिपुर, अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, ये टोटल चार राज्य इसके साथ लगते हैं। तो ये था आपका मणिपुर, सॉरी म्यांमार। अब आगे बात करते हैं हम बांग्लादेश के बारे में, तो एक बार इसको भी फटाफट से निकाल लीजिएगा स्क्रीनशॉट, फिर अपना फाइनल जो स्टेट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। चलिए ले लिया होगा आपने, आ जाओ बातें करते हैं। और अब है आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश के बारे में हम बात करें तो दोस्तों ध्यान रखना है बांग्लादेश, यह बांग्लादेश किसके साथ सीमा लगाता है, किसकी सीमा को स्पर्श करता है, तो ध्यान रखना है आप सभी को, बांग्लादेश व भारत के मध्य, भारत के मध्य सीमा रेखा, सीमा रेखा को जीरो लाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, जीरो लाइन, जीरो लाइन कहते हैं। भारत के और बांग्लादेश के जो मध्य सीमा रेखा है इसको, यहां पर लगता है बांग्लादेश, बांग्लादेश ना, तो इसको क्या कहते हैं, इसको जीरो लाइन के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, जीरो लाइन कहते हैं। भारत व बांग्लादेश की जो कितनी सीमा लगती है, तो बांग्लादेश भारत के साथ, भारत के साथ 4096 किलोमीटर सीमा बनाता है, 4096 किमी लंबी सीमा बनाता है, लंबी सीमा बनाता है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि भारत के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा कौन बनाता है, वो बांग्लादेश ही बनाता है। बांग्लादेश भारत के साथ, भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, सर्वाधिक सीमा बनाता है, कौन कौन से राज्य इसके साथ लगते हैं, तो बांग्लादेश के साथ लगने वाले भारतीय राज्य, बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ सीमा लगाने वाले, सीमा लगाने वाले भारतीय राज्य, भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, अब मेघतिरे मिजोरम में, अब मेघतिरे मिजोरम में, देखो ऐसे हो जाएगा आपका असम, वैसे हो जाएगा पश्चिम बंगाल, वैसे बंगाल, मेघ से हो जाएगा मेघालय, त्रि से हो जाएगा त्रिपुरा, मिजोरम से हो जाएगा मिजोरम,
मिजोरम से कौन हो जाएगा, मिजोरम, और मे रहेगा यहाँ पर साइलेंट, मे क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। अब भारत के और बांग्लादेश के बीच में भी एक विवाद है, कौन सा है, 3 बीघा गलियारा विवाद, 3 बीघा गलियारा विवाद, ये किनके बीच में है, भारत और बांग्लादेश के बीच में है, और ये 3 बीघा गलियारा विवाद 2015 में क्या कर लिया गया है, 2015 में निपटा लिया गया है, निपटा लिया गया, यानी कि ये विवाद समाप्त हो गया है। कुछ बस्तियां जो है भारत को और कुछ बस्तियां भारत से जो है नेपाल को देकर के जो है इस विवाद को निपटा लिया गया है, 3 बीघा गलियारा विवाद को, LAB लैंड बाउंड्री फॉल्ट, सॉरी लैंड एग्रीमेंट फॉल्ट, इसके माध्यम से जो है ये LAB एक समझौते के तहत या एक समझौता हुआ जिसके अंतर्गत कुछ बस्तियां जो है किसको दी गई है, नेपाल को दी गई है, और कुछ जो है नेपाल के तरफ से जो है भारत को दी गई, और इन दोनों को इस प्रकार से जो है क्या कर लिया है, भारत ने एक समझौता कर लिया है 2015 में, ये विवाद जो है एक प्रकार से समाप्त हो गया है। चलिएगा, सॉरी LBA लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, बाउंड्री एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो पूछ सकते हैं लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किन दो देशों के मध्य हुआ है, भारत और आपके बांग्लादेश के मध्य हुआ है। तो चलिए यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये तो ये थे हमारे स्थलीय सीमा लगाने वाले देश, एक नंबर पर पाकिस्तान को हमने पढ़ा, 2 पर हमने अफगानिस्तान को पढ़ा, 3 पर हमने सॉरी चीन की बात की, नेपाल की बात की हमने, भूटान की बात की हमने, म्यांमार की बात की हमने, और बांग्लादेश की, यानी कि टोटल कितने देश सीमा लगा रहे हैं, टोटल 7 देश जो है सीमा लगा रहे हैं। अब यहाँ से और क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो हमें जाननी चाहिए वो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देता हूँ, वो क्या क्या चीज़ें हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लो फटाफट से। चलो, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो 3-3 देशों के साथ सीमा लगाते हैं, तो थोड़ा सा एक बार ध्यान देना, मैं बता देता हूँ फटाफट से, भारत के ऐसे राज्य जो 3-3 देशों के साथ सीमा लगाते हैं, देखो भारत के ऐसे राज्य, भारत के ऐसे राज्य, ऐसे राज्य जो 3-3 देशों के साथ, 3-3 देशों के साथ सीमा लगाते हैं, सीमा लगाते हैं कितने हैं, 3 हैं। नंबर 1 पर है सिक्किम, नंबर 2 पर है आपका अरुणाचल प्रदेश, और नंबर 3 पर है आपका पश्चिम बंगाल। मतलब हम बात कर रहे हैं यहां पर कि भारत से 3-3 देशों से, जैसे यहाँ पर आपका सिक्किम है, अब ये सिक्किम जो है कौन कौन से 3 देश है जिनसे सीमा लगाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पर नेपाल है आपका, इधर आपका भूटान आ गया, और भूटान के बाद ऊपर जो है आपका चीन आ गया, तो 3 देशों से ये सीमा लगाता है ना, तो ध्यान रखना है ये तो लगाता है नेपाल, भूटान और चीन से, और ये अरुणाचल प्रदेश किससे लगाता है, तो ये नेपाल से लगाता है। देखिए यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है, और ये अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है, तो ये किस किस से लगता है, नेपाल से लगता है, सॉरी माफी चाहूँगा, हाँ ये अरुणाचल प्रदेश वाला है तो ये लगता है आपका नेपाल से लगता है, और नेपाल के बाद म्यांमार से लगता है, और चीन से लगता है, नेपाल से नहीं लगता, भूटान से लगता है, सॉरी यहाँ पर भूटान है, तो भूटान से लगता है, ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश लगता है भूटान, उसके बाद में है चीन, और उसके बाद में है म्यांमार, म्यांमार, तो इनके साथ जो है ये सीमा लगाता है। अब बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश किस किस से लगाता है, ये देखिए बांग्लादेश लगाता है, एक तो लगाता है नेपाल से, एक लगाता है भूटान से, एक लगाता है, सॉरी माफी चाहूँगा, पश्चिम बंगाल,
नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगाता है। तो ये लगाता है आपका नेपाल से, भूटान से और बांग्लादेश से। बांग्लादेश एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश भी है जो तीन देशों के साथ सीमा लगाता है। केंद्र शासित प्रदेश, शासित प्रदेश जो तीन देशों के साथ सीमा लगाता है वो कौन सा है? तो वो है आपका लद्दाख। और ये लद्दाख किस किस के साथ सीमा लगाता है? एक लगाता है पाकिस्तान के साथ, एक लगाता है अफगानिस्तान के साथ और एक लगाता है चीन के साथ। तीन देशों के साथ सीमा लगाने वाला राज्य, सॉरी केंद्र शासित प्रदेश केवल एक ही है, वो है लद्दाख। जबकि बात करें तीन देशों के साथ सीमा लगाने वाले या तीन तीन देशों के साथ सीमा लगाने वाले राज्य कितने हैं? तीन हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। किसके साथ कौन लगाता है सीमा, वो आपके समक्ष आ चुकी है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीन ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो देखो यहाँ पर ये आपका त्रिपुरा है, ये त्रिपुरा इधर से भी बना रहा है सीमा, इधर से भी जो है बांग्लादेश लग रहा है, इधर से भी लग रहा है। तो बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। या यूँ कह सकते हैं कि तीन ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? वो भी आपका त्रिपुरा हो जाएगा। तो ध्यान रखना है अच्छे से, एक बार ऐसे भी पूछा गया था बांग्लादेश और त्रिपुरा की सीमा को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना है उसको कहते हैं जीरो लाइन। बात वही है, जीरो लाइन के नाम से ही जानते हैं। तो ये थे हमारे स्थलीय सीमा लगाने वाले देश और उनसे उन पर स्थित भारतीय राज्य, उनको लेकर के हमने बड़े ही विस्तार से चर्चा की है, उनके मध्य प्रचलित विवादों को लेकर के भी हमने अच्छे से बात कर ली है। इसी के साथ अपना ये टॉपिक होता है समाप्त। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों, सभी जितने भी प्यारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। नमस्कार, राम राम साहब।